आपको संभव हुआ तो मेरे पीछे खड़े रहो, नहीं रहा तो फर्क नहीं पड़ता, मेरा गया तो गया पद चिंता नहीं, मेरा गया तो गया पद चिंता नहीं, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं राजनीतिक पेशावर नहीं हूँ, जो होगा सो देखा जाएगा। कि मैं भी बहुत सामान्य व्यक्ति हूँ और आज भी मैं फुटपाथ पर खाने वाला, थर्ड क्लास में पिक्चर देखने वाला और नाटक पीछे से देखने वाले लोगों में से बड़ा हुआ हूँ, तो मुझे वो जीवन बड़ा अच्छा लगता है। जेड प्लस सिक्योरिटी गार्ड अड़चने आती है तो मैं सबको रात को छोड़ने के बाद फिर निकल जाता हूँ फुटपाथ पर, क्योंकि वो मैं वहाँ अक्सर मुझे मेरी औकात की याद दिलाती है। जमीन गांधी जी अक्सर ये कहते थे कि कानून का पालन तो होना ही चाहिए। मैं बहुत बार, मैंने आज तक जीवन में किसी अधिकारियों को कानून तोड़ने के लिए कहीं नहीं कहा। मैं कहता हूँ ब्रेक द लॉ अप टू द लास्ट लिमिट ऑफ ब्रेकिंग पॉइंट। और ये समझो कि इसमें स्पिरिट क्या है। और दूसरी बात, गांधी जी ने कही है कि जब आपको ऐसा लगेगा कि आपका कोई भी निर्णय करने के लिए, ये निर्णय गरीब व्यक्ति के हित में जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है और उस व्यक्ति से इससे न्याय मिलने वाला है, तो इस न्याय को, इस कानून को अगर आपको तोड़ना पड़ेगा तो आप जरूर तोड़िए, क्योंकि उसमें उसका हित है। पर जब कानून तोड़ते हुए किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, किसी और उद्दिष्ट से जब तोड़ोगे तो वो गलत होगा। मुझे बहुत अच्छा अनुभव आया, मैं महाराष्ट्र में मंत्री था और अमरावती जिले में एक मेड़घाट तहसील थी और वहाँ 2500 बच्चे कुपोषण से मर गए। और वो मरने के बाद काफ़ी वर्ल्ड लेवल पर काफ़ी हाहाकार मचा। आपको याद होगा ये 96-97 की बात थी। तो हमारे मुख्यमंत्री जो थे मनोहर जोशी, वो मुझे कहते थे कि नितिन ये कैसी स्थिति है, ये मेड़घाट में 450 गाँव है, एक भी गांव में रास्ता नहीं है, ये लोगों का कैसे होगा। तो फिर वो बार बार, मैं भी PW मिनिस्टर था, मीटिंग करवाता था और फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट के चीफ काउंसलर ऑफ फॉरेस्ट आते थे और 4 से 5 बार मनोहर जोशी उनको कहते थे। एक बार उन्होंने कहा, जब मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि तुम्हाला काहीच वाटत नाही का, इतकी लोक मेली, इतक्या गावात रस्ते नाही, मुलं शाळेत जात नाही, तुम्ही काम नाही करू देत, आपको कुछ भी नहीं लगता, 2500 बच्चे कुपोषण से मर गए, बच्चे स्कूल में नहीं जा सकते हैं, वहाँ के किसान हैं उनका उपज मार्केट में नहीं जा सकती है, इलेक्ट्रिक की लाइन वहाँ नहीं गई, सब काम आपने रोक दिया फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एक्ट के आधार पर, आपको इसका कुछ भी नहीं लगता आपको। तो चीफ काउंसलर ऑफ फॉरेस्ट ने कहा कि सर आई एम वेरी सॉरी, पर मुझे आपको जवाब देना है तो यही है कि आई एम हेल्पलेस, आई कैन नॉट डू एनीथिंग। तो मनोहर जोशी जी आगतिक हो गए, तब एक कुलकर्णी करके कमिश्नर थे, वो भी बड़े सुसंस्कृत और अच्छे अधिकारी थे। तो फिर मेरे से रहा नहीं गया, तो मैंने कहा सर ये तुम्हारे बस का काम नहीं है, ये ऐसे काम में मैं बहुत माहिर हूँ, तुम एक काम करो, ये मेरे ऊपर छोड़ दो, मुझे कोई चिंता नहीं क्या परिणाम होते हैं और मैं ये काम करूँगा, आपको संभव हुआ तो मेरे पीछे खड़े रहो, नहीं रहा तो फर्क नहीं पड़ता, मेरा गया तो गया पद चिंता नहीं। मैं गया, एक मर्चेंट नाम के दरियापुर में, परतवाड़ा में रहते हैं, मुस्लिम अधिकारी सुपरिटेंडिंग इंजीनियर थे, मैं राजदूत पर, उस समय राजदूत थी, उसमें पूरे जगह पर घूम कर आया, कोई रोड नहीं। तो मैंने कहा तुम एक फाइल तैयार करो और फाइल तैयार करने के बाद मंत्रालय में भेजो। वो ऐसे थे, बहुत अच्छे अधिकारी, अभी भी है वो। वो फाइल मुंबई में आई और फिर आकर वो फॉरेस्ट के ओपिनियन, इसके ओपिनियन होने के बाद आई, वो मेरे पास आई और मैंने उसमें लिखा कि मानव अधिकार की दृष्टि से इन लोगों को गांव में जाने के लिए रोड नहीं है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये उनका सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक शोषण है और इसके लिए परमिशन नहीं देना गलत बात है, और इसलिए मैं मंत्री होने के नाते ये निर्णय देता हूँ कि एक्ट कुछ भी कहे, मैं ऐसे आदेश देता हूँ कि यह 450 गाँव में रोड बनने चाहिए और इसके बाद एक्ट के आधार पर कोई अगर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सअप होगी तो मैं जब तक मंत्री हूँ तब तक और उसके बाद में भी ये व्यक्तिगत मेरी जिम्मेदारी होगी और उसके लिए मैं जिम्मेदार रहूँगा। ये लिखकर मैंने तांबे करके, हमारे सेक्रेटरी थे, उन्होंने देखकर उन्होंने कहा कि तुम असाब आपने ऐसे कैसे लिखा, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं राजनीतिक पेशावर नहीं हूँ, जो होगा सो देखा जाएगा। और मैं गया, क्या कहा वो मैं अब नहीं बताऊँगा फॉरेस्ट वालों के लिए क्योंकि वो ठीक नहीं होगा, पर मैंने 450 गाँव में रोड बना दिया। और डॉक्टर अलेक्जेंडर हमारे गवर्नर थे, बहुत अच्छे संवेदनशील व्यक्ति थे, मैं उनको हेलीकॉप्टर से लेके गया उद्घाटन के लिए
और वो पहले 5 गांव में जाने वाले थे, फिर वो 20 गांव में गए, 2 दिन वो चिखलदरा रुके थे और वो इतने खुश हुए। और फिर हाईकोर्ट में एक PIL भी हुई तो कोर्ट ने कहा ये वायलेशन है, तो फिर डिपार्टमेंट आपको सरकारी अधिकारी बोल रहे